Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. You have passed 10th standard and you are now studying in 11th science. You have subjects like physics, chemistry, mathematics, biology. I am teaching you biology. मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड. हम यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे. हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड. नाउ लिविंग वर्ल्ड इज वंडरफुल. बहुत अद्भुत है लिविंग वर्ल्ड. क्यों? बिकॉज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग. अलग अलग टाइप्स के लिविंग देखे जाएंगे. हम फर्स्टली डिवाइड करते हैं लिविंग को इन टू ग्रुप्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. सबसे पहले हम लिविंग को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एनिमल में और प्लांट में. तो हम अगर सिंपली प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं तो आप अपने इन्वायरमेंट में देखते होंगे कि बहुत ज्यादा प्रकार के प्लांट्स हैं. कुछ हर्ब है, शर्ब है, ट्रीज है, फिर उनमें भी फ्लावर में वेरिएशन दिखता है, आपको डाइवर्सिटी दिखती है, कलर्स, साइज, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है. इवन इन द शेप ऑफ लीफ, लीफ के शेप में, उसके मार्जिन में, लीफ का वेनेशन, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनमें वेरिएशन दिखता है. इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखता है, जैसे रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम है या एडवेंटिशियस टाइप ऑफ सिस्टम है, कुछ प्लांट एक्सटिंक्ट है या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ग्रासेस. हैबिटेट क्या है उनका, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है. अब हम बात करेंगे एनिमल्स की. तो एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है. एनिमल्स में बैक्टीरिया को छोड़ देंगे तो हम पॉरीफेरा से शुरू करेंगे और हायर एनिमल तक, किंगडम एनिमेलिया तक, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. हम अपने इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग देखते हैं उनमें हम डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, हमको पता है हम लिविंग जिसको बोलेंगे हमको पता है. बहुत ज्यादा वेरिएशन है लिविंग में भी, एनिमल में भी और प्लांट में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. अब हमें यह पता है कि सारे के सारे लिविंग्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, उनका पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम होता है. टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, एरियल हो सकता है, उनका अपना एक हैबिटेट होता है जहां पर वो रहते हैं, जहां पर वो सरवाइव करते हैं. डाइवर्सिटी इज सो अमेजिंग. डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अद्भुत है यहां पर. अब हम बात कर रहे हैं लिविंग की. व्हाट इज लिविंग, क्या होता है लिविंग. हमें पता है एनिमल लिविंग है, प्लांट लिविंग है, बट ऐसा क्या है उनमें कि हम उनको लिविंग बोलते हैं. कौन सी सी चीजें हैं, कौन सी सी कैरेक्टरिस्टिक है उनमें जो नॉन लिविंग में नहीं है. अगर हम एनिमल और प्लांट को लिविंग बोलते हैं तो फिर नॉन लिविंग हम किसको बोलेंगे और क्यों, क्यों हमको हम उनको नॉन लिविंग बोलेंगे. तो सिंपली हम यहां पर एक छोटी सी कंसेप्ट है, पता है हमको, सबको पता है लिविंग क्या है, बट यहां पर एक छोटी सी कंसेप्ट है, हम इस चीज को यहां पर क्लियर करेंगे. लिविंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इट एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर
किसी चीज की ग्रोथ हो सकती है, उसका बर्थ हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, उसकी बॉडी अगर सेल से बनी हुई होगी, उसको ये पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, या फिर जो फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज, अगर वो क्लाइमेट चेंज को अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है, तो इसका मतलब वो लिविंग है, आइदर एनिमल और प्लांट। एनिमल हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बट अगर ये सारी चीजें किसी चीज में प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको लिविंग नहीं बोलेंगे, हम उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। हमारे घर में टेबल है, चेयर है, कबर्ड्स है, कभी हमने देखा है, बचपन से हम ये सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप छोटे से थे, अब बहुत बड़े हो गए हो, 11th स्टैंडर्ड में गए हो, पढ़ रहे हो, बट आपके घर के जो टेबल चेयर्स थे वो आज भी उनका साइज उतना ही है, उनके नंबर्स बड़े नहीं, वहां पर उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, उनका साइज नहीं बढ़ा है। वहां पे जो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक होने रहने वाले हैं या फिर अभी प्रेजेंट है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, या फिर सेंस टू एबिलिटी टू इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें नॉन लिविंग कभी शो नहीं कर सकता। तो इसलिए हम बोलेंगे लिविंग जो है वो शो करेंगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी, सेंस टू इन्वायरमेंट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्टली डेथ। अगर बर्थ होगा लिविंग का तो डेथ भी होगी, जबकि ये इसमें से कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक है ये नॉन लिविंग शो नहीं करेगा। दिस इज अबाउट द लिविंग। नाउ वी विल डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। लिविंग मीन्स उनकी खुद की लाइफ है, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो उनका सफर रहेगा, जो जर्नी रहेगी, हम उसको लाइफ बोलेंगे। तो इस लाइफ में उनकी बॉडी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म वगैरह, तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि पर्टिकुलर ग्रोथ ही हो रही है, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। एंड दीज आर कॉल्ड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म, लिविंग बींग वन प्रोड्यूस हैज टू सर्वाइव। एक बार लिविंग बींग ने बर्थ, लिविंग बींग का बर्थ यहां पर हो गया है, उसका जन्म अगर यहां पर हो गया है, तो उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, यहां पर उसको सर्वाइव करना ही है। उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको वैसे जीना पड़ेगा। फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए इट नीड्स एनर्जी एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स। अब बॉडी के अंदर, अब उसको तो सर्वाइव करना है, उसने तो अभी जन्म ले लिया है, उसको सर्वाइव करना है, तो उसके बॉडी में जो भी कुछ फूड खाएगा, फूड क्यों खाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए तो कुछ खाने की खाना ही पड़ेगा उसको। तो अगर उस यंग वन ने, उस चाइल्ड ने, या फिर जो कोई भी एनिमल होगा, उसने अगर कोई चीज खाई है फॉर द एनर्जी, एनर्जी के लिए, तो वो फूड जो है वो ब्रोकन डाउन होता है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम यहां पर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ऐसी कई, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर्स हैं जो हमारे बॉडी में एट अ टाइम अलग अलग जगह होते रहते हैं, ऐसे प्रोसीजर को हम यहां पर मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। फॉर एनर्जी इट हैज टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। एनर्जी अगर हमें चाहिए तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का होना बहुत जरूरी है। नाउ मेटाबॉलिज्म इट कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकिंग ऑफ
मॉलिक्यूल्स. सपोज वी हैव टेकन फूड, हमने खाना खा लिया है, उसके बाद की प्रोसीजर आपको पता ही है. हम फूड को च्यू करते हैं, बाद में स्वॉलो करते हैं, उसके बाद स्टमक में फूड जाने के बाद वहां पे उसके स्मॉलर 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 पीसेस में ब्रोकन डाउन होता है फूड. वहां पर एब्जॉर्प्शन शुरू होता है और एब्जॉर्प्शन शुरू होगा और फूड की डाइजेशन की प्रोसेस वहां से कंटिन्यू होगी. तो यहां पर क्या हुआ है, सबसे मेन चीज फूड स्टमक में जाने के बाद ब्रोकन डाउन हुआ है. दिस इज कैटाबोलिज्म. इसको हम कैटाबोलिज्म बोलेंगे, मतलब चीजों को तोड़ना, ब्रेक करना फॉर गेटिंग द एनर्जी. तो यहां पर इस चीज को हम, इस टर्म को यहां पर हम कैटाबोलिज्म बोलेंगे. नाउ एनाबोलिज्म, मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स. इफ टू कंपाउंड ज्वाइन एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दैट टर्म इज नोन एज एनाबोलिज्म. अगर दो, कोई भी दो कंपाउंड मिलकर जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उस चीज को हम यहाँ पर एनाबोलिज्म बोलेंगे. तो शुगर कंपाउंड जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं मिलकर एक दूसरा नया शुगर मॉलिक्यूल या फिर कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं. इस तरह से हम यहां पर पढ़ चुके हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में. नाउ बर्थ. बर्थ इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग फोर्थ अ चाइल्ड फ्रॉम यूटेरस और वो मींस मां की कोख से जन्म लेना. ये किसी भी एनिमल के लिए लागू होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम यहां पे प्लांट की बात करेंगे तो एम्ब्रियो इज प्रेजेंट विद इन द सीड. एम्ब्रियो जो प्रेजेंट होता है वो सीड में प्रेजेंट होता है. अगर आप सीड लगाओगे तो वहां से न्यू प्लांट निकलेगा. ये टर्म प्लांट के लिए लागू होती है, लेकिन यहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होगा. कैरेक्टरिस्टिक वही है कि आपको क्या मिल रहा है, यहां पर एक नया प्लांट मिल रहा है. और कहां से मिल रहा है, एम्ब्रियो से. इसका मतलब क्या है, ये रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज सीड इज फॉर्म आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन. एंजियोस्पर्मिक का कैरेक्टरिस्टिक है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड का फॉर्मेशन होता है. इसका मतलब वहां पे रिप्रोडक्शन हुआ था. प्रायर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड टेक्स प्लेस इन द यूटेरस. जो भी डेवलपमेंट है फिटस की, जो भी डेवलपमेंट है वो मदर की यूटेरस में, जिसको हम वोम भी बोलते हैं, वहां पर कंप्लीट होगी. अब हर एनिमल का, फीटस के डेवलपमेंट का, चाइल्ड के डेवलपमेंट का, जो डेवलपमेंट वोम में हो रही है फिर यूटेरस में हो रही है, उसका अपना टाइम होता है. जैसे ह्यूमन बींग की बात करेंगे तो फीमेल बॉडी में जो फीटस की डेवलपमेंट होती है, जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, उसको 9 मंथ लगते हैं. तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ड्यूरेशन होता है उनका, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट होता है. द प्रोसेस एंड सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन वुमेन्स ऑर्गन एंड टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपिंग फिटस. जो फीमेल है, फीमेल के यूटेरस में जायगोट, बाद में उसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, बाद में फिटस में, और उसके बाद डेवलपमेंट होता है चाइल्ड में. तो ये सारी डेवलपमेंट जो है एक चाइल्ड की, एक टिश्यू से, एक सेल से डेवलपमेंट होकर पूरी बॉडी का तैयार होना, सारे सिस्टम को तैयार करना, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और पूरी बॉडी बनाना, एक चाइल्ड, एक बच्चा पूरा तैयार करना, ये सारे चेंजेस, ये सारे डेवलपिंग फीचर्स जो है यूटेरस में होते हैं, फीमेल के यूटेरस में होते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द बर्थ. सिंपली हम बर्थ में क्या पढ़ चुके हैं कि एक जायगोट, मेल गमीट फीमेल गमीट फ्यूज एंड फॉर्म जायगोट.
ये जायगोट यूटेरस में एम्ब्रियो तैयार करता है, बाद में उसका कन्वर्शन जो है वो फिटस में होता है, पूरा एक चाइल्ड यहाँ पर तैयार होगा यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में, वोम्ब में जिसको बोलते हैं हम, बाद में उसका बर्थ होगा। और जब उसका बर्थ होगा तो उस पर्टिकुलर चाइल्ड को खुद को इन्वायरमेंट के साथ फाइट करनी है, इन्वायरमेंट के साथ उसको एडजस्ट होना सीखना है। जब वो माँ के कोख से बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ, उसको हम बर्थ बोलेंगे। ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनिज्म जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो करते हैं। कोई चीज लिविंग है और छोटी है तो वो ऑब्वियसली बड़ी होगी ही। आप खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप पहले एक दिन के थे, फिर एक महीने के हुए, एक साल के हुए, अब धीरे धीरे करके 15 और 16 ईयर्स के हो चुके हो। सेम कंसेप्ट लागू होती है सारे एनिमल्स के लिए और दूसरे किसी प्लांट्स के लिए। दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। अब नॉन लिविंग में कैसा होता है? नॉन लिविंग चीज भी ग्रो होती है, बट कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट करते हैं हम किसी चीज को, कलेक्ट करते हैं एक जगह, तो वही चीज हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाती है, उसकी ग्रोथ होती है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। बट नेचुरल ग्रोथ में बाय द मेटाबॉलिज्म नहीं होती। यहां पर ग्रोथ हो रही है बट विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस हो रही है उसकी मदद से हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है, हमारे बॉडी की ग्रोथ हो रही है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय ऑल लिविंग एनिमल्स। सारे के सारे लिविंग एनिमल्स जो है सब में ग्रोथ पाई जाएगी। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। सिंपली हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी हेल्थ बढ़ती है, सिंपली इसी चीज को हम यहाँ पर ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की थोड़ी कंसेप्ट हम अभी अभी बर्थ में पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। कोई भी एनिमल, किसी भी प्रकार का एनिमल अपने जैसे प्रजाति का ही बच्चा तैयार कर सकता है। जो भी चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो उसी की तरह होगा मॉर्फोलॉजिकली, लाइक बिगेट लाइक कंसेप्ट। जो जैसा है वो उसी को जन्म देगा। ह्यूमन बीइंग है, आने वाला बच्चा भी ह्यूमन बीइंग होगा। इस तरह से यहां पर कंसेप्ट लागू होती है। लाइफ हैज टू कंटिन्यू, हैज ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ। लाइफ कंटिन्यू होनी चाहिए, फ्यूचर में हमारे जैसे स्पीसीज पाई जानी चाहिए। इसके लिए क्या है, हर एक एनिमल अपने जैसा एनिमल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है कि हमारी प्रजाति जो है फ्यूचर में लॉस्ट ना हो। दिस एश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि लाइफ आगे कंटिन्यू रहे। हाउएवर देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। बट कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। एग्जाम्पल मीन्स विच इज क्रॉस बिटवीन द डंकी एंड हॉर्सेस। हॉर्स और डंकी का क्रॉस किया गया और जो यंग वन यहां पर हमको मिला है, जो हाइब्रिड हमको मिला है, उसको म्यूल बोलते हैं। म्यूल इज स्टराइल, वो स्टराइल है, वो कोई गमीट फॉर्म नहीं करता, वो ना रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। स्टराइल वर्कर्स भी, जो हनी भी बोलते हैं हम, उसमें क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो इनमें वर्कर्स जो है वो स्टराइल होते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कोई भी कपल है अगर किसी भी कारणवश बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो उनको भी हम लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो
तो इनको भी इसमें काउंट किया जा सकता है. हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसी कंडीशन में यहां पर हम रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं काउंट कर सकते. लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन इन सम केसेस, कुछ ही ऐसी केसेस है जहां पर हम रिप्रोडक्शन को लिविंग बींग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिफाइन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि इनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऐसा हम नहीं बोल सकते. वहां पर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल इज द यूनिट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म और लिविंग सब्सटेंस. हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, बहुत सारे सेलों से बनी हुई है. अब हम अगर सिंपल स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे तो हम सिंगल सेल बोलेंगे. अगर ऐसे कई सेल कलेक्ट होते हैं तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं. टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर यहाँ पर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलकर ये बनाते हैं बॉडी. होल बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स. हमारी बॉडी जो है ये बहुत सारे सेलों से बनी हुई है. अब यहां पर हम बोल रहे हैं सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. सेल जो है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. क्यों? तो हमारी बॉडी जो तैयार की है, हम जो दिख रहे हैं, हम जैसे भी दिख रहे हैं, इसमें सेल का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है. क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेल ने ही हमारे बॉडी का हर टिश्यू बनाया है, सिस्टम बनाया है, ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, बॉडी को एक शेप दिया है, और फंक्शन प्ले करने का भी काम करता है. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस विच कैरी हेरिडिटरी मटेरियल, ऐसे बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स वहां पर प्रेजेंट है सेल में, जो अपना अपना वर्क जो है वो प्ले करते हैं. All living organism from simplest microorganism to highly complex form like flowering plant and vertebrates are made up of basic unit of life. Plants से लेकर higher animals तक सब में cell present होंगे. सबकी body cell से बनी हुई है. Cells contain genetic information which is passed on from cell to cell during the cell division. मैं अभी अभी आपको एक चीज बता चुकी हूँ. सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है. डीएनए मटेरियल कैरी करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. जब कभी सेल डिवीजन होगा तब यहां पर हेरिडिटरी मटेरियल्स जो है वो भी डिवाइड होंगे. इन केस ऑफ मियोसिस, हम मियोसिस की बात कर रहे हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू जनरेशन भी पास होगा. All cells arise from pre-existing cell. सारे के सारे सेल pre-existing cell से तैयार हो रहे हैं. Means parents है, गमीट प्रोड्यूस करते हैं, मेल प्रोड्यूस स्पर्म, फीमेल प्रोड्यूस एग, फिर एक फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म फॉर्म zygote, zygote converting to embryo, then fetus, then child. तो जो ये child तैयार हुआ है कि अपने आप तैयार नहीं हुआ, प्री एग्जिस्टिंग सेल थे, मींस ओवम और स्पर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल थे, उनके फ्यूजन की वजह से यहां पर जायगोट तैयार हुआ या फिर चाइल्ड तैयार हुआ है. इसलिए यहां पे बोला है कि जो भी सेल फॉर्म होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तैयार होगा. सेल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग, सेल्फ कंटेन यूनिट्स एंड सम सेल्स आर टोटिपोटेंट. सेल जो है अपने नंबर खुद से ही बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड देयर रिक्वायरमेंट. उनके हिसाब से उनको जैसा चाहिए वैसे वो अपनी ग्रोथ खुद कर सकते हैं, ऐसी उनमें कैपेसिटी है. और कुछ सेल तो ऐसे है जो टोटिपोटेंट होते हैं. टोटिपोटेंट मीन्स अगर उन सेल्स को हम यूज करते हैं तो वो पूरी बॉडी बनाने की कैपेसिटी रखते हैं. सिंपली हम थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल यहां पर लेंगे. एंथर्स अगर लेते हैं हम,
तो एंथर से एक प्लांट को ग्रो करना, लीफ का एक टिश्यू लेंगे उससे एक प्लांट का ग्रो करना, या फिर स्टेम की थोड़ी सी ब्रांच अपर मोस्ट एक्सियल पार्ट अगर लेंगे, शूट अपिकल मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं, उससे पूरा एक प्लांट डेवलप करना। ऐसी कैपेसिटी अगर किसी सेल में है, किसी सेल में ऐसी कैपेसिटी है कि वो पूरी एक बॉडी तैयार कर सकता है, तो ऐसे सेल को हम यहाँ पर टोटिपोटेंट बोलेंगे। नाउ रिस्पॉन्स यूनिट टू स्टिम्यूली, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट एंड टू रिस्पॉन्स इट। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो फीलिंग है वो है सेंस करना, किसी भी चीज को फील करना। गर्म पानी में हाथ डाल दिया तो आपको बहुत जोरों से झटका लग गया, इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी ने सेंस किया है, फील किया है कि वो वाटर जो है वो हॉट है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो, बहुत धूप है, समर है, आपको बहुत गर्मी हो रही है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फील कर रही है कि जो सनलाइट आपके बॉडी पे आ रहा है उसकी वजह से जलन हो रही है आपकी स्किन में, ये आप फील कर रहे हो। ये सारी चीजें अगर आप फील कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, स्मेल, टच, टेस्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड आ जाती है फिर उसमें। तो इस सबको मिलाकर हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्यूली, किसी भी चीज को सेंस करने की कैपेसिटी रखते हैं एनिमल्स, लिविंग बींग्स। बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर एक्सेट्रा। प्लांट हो या एनिमल हो, अपने अपने तरीके से इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी रखते हैं। डेथ, एज द बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म देन द ऑर्गेनिज्म डाइज। अगर लाइफ में ऐसी ऐसा टाइम आता है उस टाइम पे बॉडी सपोर्ट नहीं करती मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रही है वो प्रोसेसेस अगर एक टाइम पे रुक जाती है किसी कारणवश, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि वो इंसान की डेथ हो गई है या फिर वो मर गया है। अब इसमें कुछ एक्सीडेंटल केसेस भी हो सकते हैं, तो एक्सीडेंटल केसेस में भी ऐसा होता है कि आपके बॉडी की मेटाबॉलिज्म से वो अचानक से रुक जाती है, तो वहां पे हम वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर वो इंसान वहां पे उसकी डेथ हो गई है ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। या फिर ओल्ड एज में थक गए हैं, एज हो गई है, बहुत ज्यादा एज हो गई है और बॉडी अब सपोर्ट नहीं कर पा रही है, फंक्शंस प्ले करना छोड़ दिया है और मेटाबॉलिज्म्स अगर यहां पर रुक गए हैं तो उस इंसान की यहां पर डेथ हो जाएगी, उस ऑर्गेनिज्म्स की यहां पर डेथ हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ।